अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई भी बेहतरीन फिट फाट, अल्लाह पाक के करम से बेहतरीन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र करो उतना कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी दोस्तों जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पेटियां लेके आया था मैं, तो इनमें हमने डिटॉल मिक्स करके पानी में, तो उसको मैंने जो है ना बोतल में डाला और शेक करके उसके ऊपर स्प्रे, मतलब स्प्रे वाला जो नहीं होता वो, उसको ढक्कन लगा के इन सबको स्प्रे कर दिया मैंने। तो ये जो है ना अब ये फ्रेश हो गई हैं धूप में, पहले काफ़ी गीली थी, अब जो है ना इजी हो गई हैं। तो बाकी मैंने पराली वगैरह भी मंगवाई थी, मैं आपको पराली दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये पूरा तोरा ही वहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने बच्चे से मंगवाया ये, मैंने कहा जा उससे तोरा लेके आ, तो वो लेके आया माशाल्लाह। तो उसमें से थोड़ी जो है ना हमने अपने कबूतरों को दे दी है, ये देख सकते हैं। एक तो दरवाज़ा भी अंदर बढ़ गया, ये देखें अंदर बढ़ा हुआ, किसी ने फुल धिक्का लगा दिया इसको, उफ बढ़ गया दोस्तों, तारें फिर गई हैं देखें फ्रेश। चलें कोई बात नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप वैसे ही सब शौक करें माशाल्लाह से, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आज जो है ना अपने वो शेरू के जो बेटा हुआ था माशाल्लाह, एक तो बच्चा उसका मर गया था, आपको दिखाया था वीडियो में, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, तो ब्लैक कलर का बच्चा था एक, वो अल्लाह पाक को प्यारा हो गया। बाकी माशाल्लाह एक बच्चा है बेहतरीन सा, तो उसको मैंने जो है ना अपनी चिट वगैरह लगा के, रंग वगैरह लगा के उसको मैंने ऊपर छोड़ा है, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें ये बैठा हुआ है, ये उसकी एक साइड एक टांग पे मैंने कलर कर दिया ताकि वो ये नीचे भी देख रहा है। तो फर्स्ट टाइम ऊपर गया, नीचे आने की कोशिश कर रहा है अभी, मैंने उसे खुद ही जो है ना पकड़ के ऊपर फेंका है, ये गया नहीं है। मैंने कहा ज़रा ना फ्रेश हो गया, ये देखें ये मादी जो है ना बाहर निकल गई है, इसको पहले अंदर करते हैं, नहीं रहने जो है ना आहो। चलें वो आ जाएगी खुद ही, अब उन्हें जो है ना घूम घुमा के आना है इन अंदर। ले जी ऊपर बैठ गई जाके, हेलो चिपक गई है, चलो उसे अंदर करते हैं, वो खुद ही आ जाएगी, इनका शो करते हैं हम दोस्तों। इस कबूतर को अभी तक मैंने जोड़ने में नहीं डाला, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा फ्रेश हो, ये दाना पानी करके तब तक आप शो करें। ये देखें शेरू का भाई भी आया, बल्कि ये शेरू अपना आया है। तो दोस्तों वो बच्चे बुला रहे थे, वो सामने वो देखें वो गुड्डी शुड्डी उड़ाने के तरीके, मतलब के बना रहे हैं कि यार कैसे उड़ाएं कैसे नहीं, तो जो है ना ये गुड्डी भी, मैं कहा अच्छा ओके करो। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, मैं इस कबूतर की सोच रहा हूँ कि इसको जो है ना जोड़ों में ना डालूँ, ये जो खड़ा है ये वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह आप शो करें, इसकी आंख का मेयार देखें माशाल्लाह, उसकी बंतर देखें, क्या कबूतर है यार, स्टैंडिंग लेवल चेक करें उसका। तो दोस्तों ये मैं सोच रहा हूँ ये वाला कबूतर जो है ना जोड़े ना डालूँ, इसको काट के ना, तो इसको मतलब के आगे जो बाल्टियाँ आनी है खेलनी तो है नहीं मैंने, वैसे उठा देंगे कोई मुनसब शुमसद भी बिठाना, तो एवें करके ना बिठा देंगे इनू। तो बाकी ये देखिए ये वही है लकवे वाला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, किसी 100 में से 50-50 चांसेस होते हैं कि लकवा ठीक हो जाए, वरना लकवे वाला कबूतर कभी ठीक नहीं होता, जिसे झोला आ जाए तो झोला भी कहते हैं, लकवा भी कहते हैं पंजाबी जी, झोला भी कहते हैं, तो जरा ना इजी हो गए माशाल्लाह, शो करो आप लोग। ये देखें माशाल्लाह अपना, अब ये जो है शेरू का भाई है, ये शेरू का भाई है, और अपना शेरू कहाँ पे गया कहाँ पे गया कहाँ पे गया, ठहर दे जी शेरू को बुलाते हैं, वो बहुत
छतरी ऊपर बैठ गई दोस्तों। एक सेकंड मैं जो है ना उसे देख लूँ फिर आता हूँ, एक मिनट दें जी। दोस्तों वेलकम बैक, मादर के साथ ज़रा नीचे गया था, माँ जी वगैरह ने बुलाया था, उनकी बात सुनने गया था वालदा की। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। तो भाई दुआ किया करें अल्लाह पाक सबके माँ बाप को हमेशा उनके सर अपने औलादों के सरों पे कायम रखें, आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह देखें इनको, आपको माशाल्लाह वो दिखाता हूँ मैं, सियालकोट का एक वो सियालकोटी मतलब मादी है आगे पीछे वो, तो आइयो वापस। ऐसे माशाल्लाह कबूतर ही कबूतर कटा हुआ हुआ है, जाल में भी ऊपर भी नीचे भी सज्जे भी खबे भी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने कबूतर ना दोस्तों मैंने फ्रेश किए हैं, अब फ्रेश कैसे किए हैं मैं माशाल्लाह आपको बताता हूँ। मैंने इनको कल गुड़ वगैरह दे दिया था जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया था, तो गुड़ देने से ये काफ़ी फ्रेश हो गए थे। ये माशाल्लाह अपना एक पट्टा ही ज़रा ढीला हो गया, इसे फ्रेश करते हैं अभी, इसको देता हूँ मैं मेडिसिन। और माशाल्लाह ये देखें ये शुरू का भाई है, और ये देखें इसको, इसको भी मोशन लगे, इनको एक दिन फ्लैजल भी देना पड़ेगा अब जो है ना, ताकि ये फ्रेश हो। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपको आगे दिखाते चलें, तो अभी अभी मैंने ना वो मेरे दूसरे फ़ोन में वीडियो बना रहा था तो उसकी स्पेस फुल हो गई थी, तो आपको बताया था ऐसे आल को टीके माशाल्लाह बच्चे निकले हैं। तो ये देखें जी, इसको खुद मैंने मतलब हाथ के साथ इसको हैच किया मैंने, तो उसको कबूतर पाँव वगैरह ना दे दे इनको इजी करते हैं। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह ये मैंने खुद ही हैच किया है, इसको हाथ में पकड़ के ना अंडा में से अंडा फंसा हुआ था अंडे में ना, तो इसको मैंने फिर जो है ना हैच किया है। एक सेकंड दोस्तों, तो ये माशाल्लाह देखें छोटा सा नन्ना सा काका आया है जी, और अभी माशाल्लाह इसने आंखें भी नहीं खोली। ये अपनी वो सियालकोटी मादी इसके साथ, और डैडी क्रॉस में से एक नारे वो लगा हुआ, तो कुछ ब्रीडें होती हैं जो मतलब क्रॉस करवा के आगे बढ़ानी होती हैं, तो वो हिसाब किताब है। तो माशाल्लाह बच्चे का शौक करें, ये फंसा हुआ था अंडे में, इसको रेस्क्यू किया है, इसको निकाला मैंने इमरजेंसी। तो मेरे काका इधर आ दो। तो दोस्तों ये वाला जो अंडा है ये देखें, ये मुझे ख़राब ही लग रहा है क्योंकि ये, लेकिन यहाँ पे इसका ये देखें टूटने का निशान नज़र आ रहा है आपको, ये वाला इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसका वेट करते हैं कल तक। बाकी ये देखें ये अपनी जो मादी नहीं थी वो डफ वाली, ये लग गई हुई है ब्लैक है इसके साथ, ब्लैक है इसका नारे, तो वही डफ वाला। और इस ये इनका बच्चा है, ये ब्लैक वाली का ना ये बच्चा है, और इसके साथ मैंने लगाया था नर बेसिकली वो दूसरा मादी वाली डाडी, ये देखें मारती है। तो अपने पास ये बच्चे मैंने आपको कहा था वॉश करने का कि इनको साफ़ सूफ करेंगे, इनको मैंने ज़रा सा साफ़ किया, ज़्यादा नहीं किया ताकि ये जो है ना सर्दी मना जाए तो वो कुछ हो जाए, इनको मैं थोड़ा सा साफ़ करके, कल धूप भी नहीं थी इतनी, इनको वो पेटी मतलब नीचे में मैंने पतीली में रख दिया था डांप के। तो माँ बाप फ्रेश, इन्होंने माँ बाप को भी मतलब फ्रेश कर देते हैं अगर उनके बच्चे वगैरह बीमार हों तो। ये देखें माशाल्लाह हमारे फिरोजपुरी मादी ने फिर अंडा उतार दिया एक, और इधर परदेसी की तरफ आए, परदेसी माशाल्लाह एक बच्चा लेके बैठा हुआ है, एक बच्चा इसका मतलब एक अंडा इसका ज़ाया हो गया, ये परदेसी का बच्चा है, ये हमारा परदेसी कबूतर है इसका ये बच्चा है। बाकी इधर भी हमारे जो आंटी शुभाना बैठी हुई है, यहाँ पे ये वाला बैठा हुआ है, यहाँ पे अपनी घर की पट्टी एक वो माशाल्लाह अब चार चार बजे तक उड़ती रही है, वो लगाई है उसके लग खुद ही लग गई है, उसे आलकोटी एक नर था उसके साथ लग गई है। और ओपन और ओपन वो मतलब कि चैलेंज वाली माती है कि ओपन चैलेंज जो है वो सीन है। बाकी ये माशाल्लाह इधर भी अपने ये डफ वाली है, इसका शौक करें
मतलब के जो गोल्डन नहीं होते डब वाले कह रहा हूँ। ये देखे माशाल्लाह इसके नीचे दो बेबी है और मादी थोड़ी डाडी है, आपको ऐसे ही शूट कराते हैं। ये देखे जी माशाल्लाह माशाल्लाह दो बच्चे लेके बैठी हुई है और इसके वाइट बच्चे निकलते हैं या हल्के से जोंसरे निकलते हैं, इस तरह का साफ है। और बाकी इधर हमारे पास जोंसरा एक बैठा हुआ है जोड़ा, ये भी जोंसरा पूरा नहीं, ये वो नहीं होते कैनल में थे बटेरे, बटेरा नारे के मादी है। ये जो है ना ब्लैक है, इसके साथ मादी लगी हुई है और नीचे आपको बेबी जो दिखाया है वो उसी का है, वो लास्ट वाली बेटी में। और ब्लैक आइज वाला नर इस मादी के साथ भी लग गया लड़की, वो इतना मतलब गर्म हुआ है कि वो कह रहा सब अंदर। और बाकी माशाल्लाह ये देखे, ये टैडी ये वाला था किधर गया वो अपना, ये तो सियालकोटी, ये इसका बेबी मैंने रेस्क्यू किया है अभी, वो पिछली मतलब वीडियो में वो दूसरे फोन में है तो उसका बेबी फंस गया था अंडे में ना, उसको फिर मैंने एक शेल को निकाल के उसका बेबी रेस्क्यू किया है। तो मैं नहीं चाहता कि ना वो जो बेबी अंदर हमारे पास बैठा हुआ है वो सर्दी से कुछ हो से, तो इसका जो मतलब के मादी है या नर दोनों में से एक को ना अंदर फेंकते हैं ताकि वो जाके अपने बच्चों के पास बैठे। ये देखें तो देखें साथ ही वो अंडों में से उठ के नर उधर चला गया उसकी, ये देखें देखें इनको गुड़ देने का ये फ़ायदा है कि हमारे कबूतर माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव हो जाते हैं, गुड़ दिया करें आप सब भाई लोग भी। पर पंसार की दुकान पे जाना उनको कहना यार कोई 50 या 100 का ना पुराना गुड़ दे दो, वो आपको पुराना गुड़ दे देंगे, पर ऐसे हाथ में पकड़ के आपने कुचू मुचू कर देना उसको, वो फिस जाएगा हाथ से ही, पुराना गुड़ इतना का नरम होता है। तो अब ये देखें ना ये मसला हो गया, अब इसका एक ही हल है कि इसका जो सियालकोटी का नर है ना उसको अंदर भेजते हैं ताकि वो जो है यहाँ ये फ्री हो गया चला गया अपने अंडों पर जाके बैठ। अब ये देखें ये नर की हरकतें देखें आप कितना, ये आ गया मेरा फेवरेट जोड़े का नर। और ये है जी जिसे लकवा हुआ था, लोग कहते हैं जी लकवे वाले कबूतर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। और साथ ही वो ब्लैक आइज वाला अपना पट्ठा है जो बीमार हुआ हुआ था, आपको दिखाया भी था पिछली वीडियो में, आंखें बंद करके फूल के बैठा हुआ था, जैसे ये फूल के बैठी हुई है वो फूल के बैठी हुई है, ये बेसिकली हैं फिट हैं ठीक है। तो जब बीमार होते हैं तब भी फूल के बैठते हैं, लेकिन सर्दियों में इनकी ना आदत बन जाती है कि मतलब जानवर जो है ना गर्दन अंदर करके बैठा होता है। अब ये देखिए इनके पास जाऊंगा या इनको दाना पानी करूंगा, ये फुल फ्रेश हो जाएगी मादी, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसी मादी के ये ऊपर वाले दो बच्चे हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया ये माशाल्लाह शो करें, ये इन दोनों मतलब के बच्चों की माँ है। ये कुछ कबूतर अंदर जाना शुरू हो गए, वो देखें सियालकोटी का नर साथ ही अंदर गया। और मुझे ना कैसे पता चला था, मुझे स्टार्टिंग में ना पता नहीं था चलता यार ये किसका बच्चा है किसका नहीं, तो मैंने ना अपने कलर की निशानी लगा ली, कलर मेरा जहाँ वो है पर्पल फेवरेट, तो मैंने पर्पल जो है ना इनके कुंदों पे चेस्ट पे कर दिया था, मैंने कहा ये उसका नारे सियालकोटी का। उसका तो वैसे ही कलर ऐसे है कि मेरे पास एक 35 वाला कबूतर था सियालकोटी फुल, और यकीन करें वो कोई उठा के ले गया। देखें उसने इतने महंगे महंगे कबूतर तो छोड़ दिए हैं और वो 35 वाला ले गया जी, उसकी खारबाजी चेक करें आप। उसका क्या सिनेरियो था दोस्तों कि वो बाजियों में बड़ा खेला हुआ कबूतर था, उसकी पूछनों पे स्टैंप, उसके पनों पे स्टैंप, स्टैंप ही स्टैंप थी उसकी। खैर दोस्तों उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है, आपको किसी दिन सुनाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो कोई उठा के ले गया यार, कोई बच्चा वगैरह या पता नहीं कौन था क्या है क्या नहीं, किसी ने कुछ किया तो वो जो है ना ये सिनेरियो हुआ था दोस्तों। बाकी ये उसके साथ फिर जो है ना मैंने इसके साथ वही लगाना था, फिर मैंने ये वाला नर लगा दिया। अब ये देखें गया अंदर, ठीक है अंदर जाके फूल के बैठ गए। तो ये सियालकोटी भी ये देखें पागल हुआ हुआ, वो अपने अंडे छोड़ के बाहर आ रहा है उस मादी के लिए तरसी कौम। ये घर का बच्चा निकला हुआ है माशाल्लाह ब्लैक, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा हमारे पास ये भी बेबी पिजन आया हुआ है, बेबो दिया गल्ला बेबो 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 किधर गई हैं, ये भी बच्चा माशाल्लाह आया हुआ है।
ये भी माशाल्लाह बच्चा आया हुआ है। और जी ये क्या है जी, और इसके अलावा हम ऊपर देखें, ये हमारी इंडियन बैठी हुई है लाखी मादी। और आज मैंने शुरू को वो बताया भी था बेटे को ऊपर मतलब फेंका है, ये बैठा हुआ है, वो इधर उधर देख रहा है। अच्छी बात है, उसको पता चले यार मैंने किधर उड़ना है क्या नहीं, क्योंकि उसको मैंने उड़ाना है या अपने दोस्त को दूंगा वो इसको बाजियों में डालेगा। ये देखें माशाल्लाह, ये मेरे फेवरेट जोड़े का बच्चा आया था, तो इसको भी मैंने जो है ना पाँव पे वो करीब पे ना दी थी। माशाल्लाह इसका भी शौक करें आप सब लोग। ये जो आपको फूल फूल के नज़र आ रहे हैं ये ड्रामेबाजी इनकी, ये देखें सारे फूल गए हैं ना। एक सेकंड है मुझे ज़रा, ये देखें ये खुद को जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, और वीडियो को एंड करते हैं आज। आज आपको यही बताना था कि माशाल्लाह हम पेटियाँ ले आए, इनको मैंने डिटॉल से, और डिटॉल वाला स्प्रे नहीं होता वो साफ़ किया है, वो पानी डाल के उसमें, और इनको धूप में रख दिया। अब इनको अंदर शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद इंशाल्लाह जो है ना ये खुद ही पेटियाँ मल लेंगे, जो एक्स्ट्रा जोड़े हैं तो वो हो जाएंगे। ये देखें जो फूल के बैठे हुए थे, मुझे बताएं कौन फूल के बैठा हुआ था। ये देखें जी कैसे आ रही है, ये आ रहा है, ये देखें फूला हुआ है, ये देखें ये लें जी। जो कबूतर आपका दाने पे आता है वो आपका कभी भी बीमार नहीं हो सकता, मतलब कि वो खाना खा रहा है अगर दाने पे आ रहा है प्रॉपर तो वो बीमार नहीं है, उसको आप छोड़ दें, वो आपका कबूतर फिट है। और वैसे भी कबूतर इतनी सख्त जान होती है, ये सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। अल्लाह पाक ने इनको बहुत जो है ना वो माशाल्लाह दी है ताकत कि ये सर्दी गर्मी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये माशाल्लाह फिट रहते हैं सबके सब। पानी में मैंने टाइलोफर्सिन डाला है थोड़ा सा, ये देखें आज थोड़ा सा डाला है क्योंकि ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने मेरे ख्याल से आधा लीटर लीटर भरा है मैंने पानी, तो लीटर पानी में मैंने ये सारा मिक्स किया, तो कुछ कबूतरों ने पिया भी है। अब जो बच्चे निकले हैं माशाल्लाह उनको भी थोड़ा थोड़ा जाएगा, और ये अंदर जो बच्चे हैं उनको भी जाएगा, अगर वो उनकी जैसे कि वो कबूतर जो है उसकी बिट लगी हुई थी आपको दिखाया भी, वो मेरे ख्याल से या तो पिछले फ़ोन में होगा या इसी में होगा, इसी वीडियो में होगा शायद, तो वो भी क्लियर हो जाएगा सारा सिनेरियो जो इनका बीमार शिमार बुखार शुकार ये छींके वगैरह सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, अपने कबूतर फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे ना ये कबूतर जो है ना बड़ा फेवरेट लग रहा है, पता नहीं क्यों, माशाल्लाह चेक करें इसकी स्टैंडिंग लेवल चेक करें माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो ये मादी अभी उड़ गई थी, ये उड़ के बाहर घूम फिर रही थी, मैं कहा तो घूम फिर, और अपने शेरू साहब ये देखें क्या गा रहे हैं, शेरू की हरकतें देखें आप, शेरू अपनी मादी के साथ साथ, ये लो। और माशाल्लाह दोनों को पर्पल रंग लगा हुआ है, रॉयल पर्पल तो मेरा फेवरेट कलर है। आप माशाल्लाह देखें, ये लो जी फिर बाहर आ गए, इन्हें अंदर काटना, इन्हें मैं फिर तंग करना, ये आगे बड़ा घूम के आइए, कम से कम भी आधा पौना घंटा बाहर रहिए। तो आए यार तुसी दे पड़ाओ मेरी गल जा रही है फिर के ना, मेरे हाथ खराब कभी कुछ खराब, मेरे मतलब के स्वेटर को टुक लग जाती है, वो फिर थोड़ा भरा रफू करांदा यार, गरीब बंदे हैं असी, अल्लाह माफ़ करे, एडे अमीर नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमें अल्लाह पाक तीन वक्त की रोटी दे देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब ने अपने घर में खाना है, सब ने जो करना है सब ने अपने अपने घरों में करना है, बाकी अल्लाह पाक का शुक्र किया करें, जितना हो सके शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जितना शुक्र है वो उतना कम है। लेकिन शेर माशाल्लाह शेर हुआ है माशाल्लाह, दोस्तों बोल दीजिएगा अपने, ये देखें बेबी पिजन, एक ये है एक ये है, और उसके अलावा एक ये है, और उसके अलावा एक शेरू का जो माशाल्लाह बेबी निकला वो ऊपर फेंका मैंने, और जो मेरे फेवरेट जोड़े का पिजन था उसको भी मैंने रिंग डे ला मतलब के पहना दी थी। ये देखें ये भी बच्चा निकला हुआ माशाल्लाह, ये देखें बार बार वीडियो में आ रहा है, कह रहा है मेरी फ़ोटो खींच तू,
फोटो तो खींच मेरी फोटो, ये सीन कह रहा है, ये कह रहा है फोटो क्यों नहीं खींची जा रही मेरी, तू खलोएगा तो तेरी फोटो खिंचागा ना, तो कवर पेज तो लावगा खलोइया। नहीं दोस्तों माशाल्लाह शौक करें आप सब भाई लोग, अब बस सही तरह शौक किया करें, जिस कबूतर का माशाल्लाह आप कहेंगे मैं उस तरह आपको शौक कराऊंगा, पकड़ के कहते हैं पकड़ के भी माशाल्लाह शौक करवाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप सब भाइयों की फरमाइश पे हम जो है ना पकड़ पकड़ के शौक करवाएंगे जी। नहीं जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आप सब भाई लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उस चीज़ के लिए माजरात, और आप सब भाई लोग अपना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और शुक्र अदा किया करें अल्लाह पाक का। नहीं दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी कबूतर ही कबूतर माशाल्लाह करती हैं हमने, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।